ट्रक की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। जनपद उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकलवंशी संडीला मार्ग पर हैदराबाद से पौशाला चौराहे पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कनिगांव गांव निवासी इरशाद पुत्र नूर अली उम्र लगभग 20 वर्ष जो कि बीमारी के चलते डिप्रेशन में था, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, आए दिन सुबह सुबह निकल पड़ता था। आज सुबह करीब 5 बजे गांव से चकलवंशी से संडीला के मुख्य मार्ग पौशाला चौराहे पर आ गया, जहां चकलवंशी से संडीला जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उससे भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वो 8 भाइयों व 2 बहनों में तीसरे नंबर पर था। मृतक दिल्ली में सिलाई का काम करता था। लॉकडाउन से पहले वह भाई की शादी में दिल्ली से घर आया था। बीमारी के चलते उसका दिमागी संतुलन खो गया। परिजनों ने बताया कि उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मियांगंज उन्नाव से क्राइम रिपोर्टर राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। उसके साथ क्या घटना घटी था, क्या स्थिति है? करीब सुबह के करीब 9 बजे एक व्यक्ति को लेके आए थे 108 एम्बुलेंस से पुलिस वाले, जो कि वॉन्टेड था, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडी लेकर आए थे, जिसकी शिनाख्त उस वक्त तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी उसकी शिनाख्त हो गई है। उसका नाम इरशाद अली है, पुत्र श्री नूर अली, और ये कनी गांव के निवासी हैं। वो